नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक पोलिश फिल्म के बारे में जिसका नाम है अ नाइट एट द किंडरगार्टन। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे लिए फिल्म एक डिजास्टर मूवी साबित होती है। मतलब कि दोस्तों, इस फिल्म के जो राइटर है और डायरेक्टर है उन्होंने क्या सोच के ये फिल्म बनाई समझ में ही नहीं आता है। इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी पथेटिक और वाहियात है कि इस फिल्म के जो 1.5 घंटे हैं वो टॉर्चर के समान है। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है एरिक। वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, उसको दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में ही रहता है। लेकिन एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता है और वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस फिल्म की जो लेंथ है वो 1 घंटे 30 मिनट के आसपास है, लेकिन शुरुआत के 1 घंटे में फिल्म में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। फिल्म का जो मेन मकसद है या फिर जो मेन मोटिव है कि फिल्म क्या दिखाना चाहती है आपको, वो आपको 1 घंटे तक समझ में ही नहीं आएगा। फिल्म में जो किंडरगार्टन दिखाया गया है वैसा किंडरगार्टन मैंने आज तक नहीं देखा। उस किंडरगार्टन की जो अथॉरिटी है वो खुद पेरेंट्स के पास होती है, ना कि टीचर्स के पास या फिर वहाँ के कोई ट्रस्टी के पास। वहाँ के जो पेरेंट्स है वो वोट करके डिसाइड करते हैं कि मुझे इस बच्चे को रखना है या नहीं रखना। ऐसा किंडरगार्टन कहाँ देखा आपने? इस किंडरगार्टन के जो पेरेंट्स दिखाए गए हैं वो इतने अजीबोगरीब है कि आप एक बार के लिए सोच में पड़ जाओगे। एक ड्रग्स करता है, अल्कोहल पीता है, स्मोक करता है, अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है। वो माँ कहती है कि एक बार मैं अपने पति को संभालूं या फिर अपने बच्चे को। ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? सच में पथेटिक स्टोरी लाइन थी। दोस्तों, फिल्म में कॉमेडी के नाम पे फालतू के जोक्स डाल दिए गए हैं। एक टोमेटो वाला जोक आता है, हंसी तक नहीं आती उस पे। मतलब कि वो लोग खुद ही जोक मार रहे हैं और खुद ही हंस रहे हैं। ऑडियंस का तो मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। और दोस्तों, मैं अपने रिव्यूज में भी बताया करता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे जो मूवीज का कंटेंट आ रहा है वो इतना वाहियात है, इतना पथेटिक है। उसमें ना कोई स्टोरी लाइन होती है, ना कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है। बस बनाने के लिए मूवी बना देते हैं और नेटफ्लिक्स अमेजोन पे रिलीज करा देते हैं। इस तरह से उनके जो सब्सक्रिप्शन वाले जो ऑडियंस है वो भी घटती जाती है, पॉपुलैरिटी भी घटती है और ऑडियंस को मजा तक नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट है अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स से कम आप मूवीज देखिए तो सही, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपने प्लेटफॉर्म पे लगाना है या नहीं। सच में दोस्तों, 10 में से 9 मूवी खराब ही निकलती है इन लोगों की। तो दोस्तों, अगर आपके जिंदगी के 1.5 घंटे आपको बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही 1.5 घंटे कुछ अच्छे चीज में लगाना है, अच्छी मूवीज देखनी है, तो ये मूवी से आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी नहीं है देखने लायक। मैं इस मूवी को दूंगा 0 out of 10 stars। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।